हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन 11th क्लास फिजिक्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस विद यू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ वेरियस सॉलिड बॉडीज. ओके, तो वैसे तो बेसिकली आपको पता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ द मास विद स्केयर ऑफ द डिस्टेंस होता है. तो आज हम बात करेंगे बेटा मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग. ठीक है, तो हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग. तो बेटा ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही है, जैसे सर्कुलर रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, तो इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो हमें न्यूमेरिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो हमें सिर्फ बेटा सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है. बट वैसा अगर आपसे ड्राइव करना आ जाए कि कैसे निकला फॉर्मूला, तो उसके बारे में बात कर लेंगे. आज हम सर्कुलर रिंग के बारे में करते हैं. तो बेटा मान लेते हैं कि सपोज एम इज़ द मास ऑफ द थिन सर्कुलर रिंग और रेडियस उसकी बेटा कैपिटल आर मान लेते हैं. ठीक है, और बेटा वी हैव टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एनी एक्सिस. तो मान लीजिए कोई सर्कुलर रिंग है बेटा, लीजिए ये कोई मान लीजिए दिस इज द सर्कुलर रिंग. अगर ये कोई सर्कुलर रिंग है और बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, मान लीजिए ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है वाई, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ओ एंड वाई डैश. ठीक है, इसके इस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है बेटा और ये सर्कुलर रिंग है. और बेटा इस सर्कुलर रिंग की रेडियस कितनी है बेटा, कैपिटल आर इसकी सर्कुलर रिंग की रेडियस है मान लीजिए. ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस रिंग का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द एक्सिस वाई ओ वाई डैश. तो वो कौन सी एक्सिस ऑफ रोटेशन बेटा, वाई ओ वाई डैश एक्सिस ऑफ रोटेशन है. ठीक है बेटा, तो दिस एक्सिस इट इज़ द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग. देखो बेटा रिंग का प्लेन तो ऐसे है और बेटा एक्सिस इसके ऐसे पास की है, तो इसका मतलब रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है बेटा ये. ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द सेंटर. तो बेटा लेंथ ऑफ द रिंग कितनी है, अच्छा इस कंप्लीट रिंग की लेंथ कितनी है बेटा, लेंथ ऑफ रिंग के बारे में बात कर लेते हैं. तो बेटा लेंथ ऑफ रिंग के बारे में अगर बात करें तो इस रिंग की लेंथ कितनी है बेटा, इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल, तो वो कितनी है बेटा 2πr. तो जितनी इसका सर्कमफ्रेंस है उतनी ही इसकी क्या बेटा, रिंग की लेंथ है बेटा, तो 2πr. मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग निकाल ले, अगर हम मास पर यूनिट लेंथ निकालें, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग निकालें, तो बेटा मास कितना बेटा इसका कैपिटल एम है टोटल, और लेंथ कितनी है बेटा इसकी 2πr. तो ये हो गया इसका बेटा मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रिंग. ठीक है बेटा, अब हम क्या करते हैं बेटा, देखो इस रिंग का कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले बेटा हम क्या करेंगे, पहले एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं. मान लीजिए ये कोई स्मॉल एलिमेंट है बेटा. ठीक है, इसकी लेंथ है बेटा dx. कितनी है dx है बेटा. तो एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया रिंग का जिसका लेंथ है बेटा dx. तो बेटा मास ऑफ द इस एलिमेंट का मास कितना आएगा बेटा बताओ, मास ऑफ एलिमेंट, इस एलिमेंट का मास कितना है बेटा वो बात करते हैं. तो बेटा मास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, और ये बेटा मास है ये लेंथ है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर लिया बेटा, लेंथ से लेंथ कैंसिल, तो बेटा कितना आ गया मास आ गया. तो मास ऑफ द एलिमेंट निकल गया बेटा ये. अब बात करते हैं बेटा इस अब बात करें सिर्फ इस लेंथ एलिमेंट की. अब इस लेंथ एलिमेंट का बेटा क्या निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं. क्या निकाल लेते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंट. ये जो आपका एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट डी एक्स, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट द एक्सिस वाई ओ वाई डैश. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो बेटा होता है मास इंटू डिस्टेंस स्केयर. तो बेटा मास कितना है, मास तो बेटा एम इंटू 2πr इंटू डी एक्स, दिस इज द मास, टोटल मास बेटा. और डिस्टेंस कितनी है बेटा आर स्केयर. बेटा देखिए लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा आर है बेटा. ठीक है, तो दिस इज द मास और ये आर का स्केयर बेटा, रेडियस स्केयर कर लीजिए. ठीक है बेटा, तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट अबाउट दिस एक्सिस बेटा. अब बेटा क्या कह रहा है ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सी बात करता है कि अगर मैं यहाँ पे आर के साथ आर कैंसिल कर दूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसका भाई, वो आएगा बेटा एम आर बाई टू पाई, एम आर बाई टू पाई इंटू डी एक्स. ठीक है बेटा, तो एज द स्मॉल एलिमेंट कैन लाई एनी वेयर ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द रिंग. तो बेटा जो स्मॉल एलिमेंट है ना, देखो ये कहीं पे भी लाई कर सकता है इस रिंग के, कहीं पे भी स्मॉल ऐसे ऐसे स्मॉल लेंथ एलिमेंट में अगर डिवाइड करें रिंग को तो बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट बनेंगे बेटा. तो स्मॉल एलिमेंट कैन लाई एनी वेयर ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द रिंग, एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेके एक्स इज इक्वल टू बेटा 2πr तक, ये कहीं पे भी हो सकता है. ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे हम, इस अगर हम क्या करें बेटा, इस स्मॉल एलिमेंट को ऐसे ऐसे स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन कर दें तो बेटा कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा बेटा. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एंटायर सर्कुलर रिंग क्या आएगा बेटा, एक्स रनिंग फ्रॉम 0 से 2πr बेटा. ठीक है, और एम आर बाई 2π इंटू डी एक्स, तो ये हो गया बेटा, और मल्टीप्लाई क्या है इसके साथ डी एक्स बेटा. ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो बेटा कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लीजिए, एम आर बाई 2π मैंने बेटा बाहर निकाल ली कॉन्स्टेंट से, पीछे बच गया बेटा एक्स. ठीक है भाई, क्योंकि बेटा हमने इंटीग्रेशन किसका करना है सिर्फ,
dx का इंटीग्रेशन कितना आएगा बेटा, x आएगा, लिमिट कितनी बेटा 0 से 2 पाई r बेटा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आएगी बेटा देखते हैं, i इज इक्वल टू एम आर अपॉन 2 पाई, ठीक है बेटा। अपर लिमिट क्या बेटा 2 पाई r, लोअर लिमिट कितनी बेटा 0, या x इक्वल टू 0 थी ना, अपर लिमिट 2 पाई r थी, पुट कर दीजिए तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बेटा, बताना एम आर आपका चल ही रहा है, एम आर आपका चल रहा है बेटा 2 पाई, और 2 पाई r से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पाई r से 2 पाई कैंसिल, तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा बेटा एम आर स्क्वायर बेटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मास परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग बेटा, ठीक है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात की थी। अब बात करते हैं बेटा अबाउट एनी डायमीटर, अबाउट अगर हम बात करें सर्कुलर रिंग का अबाउट एनी डायमीटर, तो अबाउट एनी डायमीटर निकालते हैं बेटा। तो बेटा दोबारा से सर्कुलर रिंग बनाइए, लीजिए बेटा ये सर्कुलर रिंग आपकी, और ये इसके अब इसका डायमीटर बनाते हैं, अगर हम ये इसका डायमीटर है लाइक दिस वन, तो बेटा ये आपका डायमीटर है, मान लीजिए ये एक्सिस आपकी ए बी, और ये एक्सिस आपकी सी डी, और ये आपका पॉइंट है ओ। तो बेटा अगर देखा जाए अबाउट एनी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है बेटा, ये भी डायमीटर है, तो बेटा अभी डायमीटर के अराउंड निकाला है, तो एम आर स्केयर आया ना, दूसरा डायमीटर क्या है ये एम आर स्केयर, तो इसका मतलब क्या है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी, क्योंकि बेटा ये ए बी एक्सिस भी क्या है, ये भी डायमीटर है, ये भी देखे सिमेट्रिक अकॉर्डिंग, ये भी डायमीटर है, तो बेटा आई ए जो ए बी एक्सिस थी इसके अराउंड भी क्या आएगा बेटा, अगर यहाँ पे बात करें तो डिस्टेंस कितनी बेटा आर स्केयर, तो वो भी आपका एम आर स्केयर आएगा, तो बेटा ये कितना आ जाएगा एम आर स्केयर के कुल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा टू टाइम ऑफ, अब ये कह सकते हो ना कि क्योंकि इसके अराउंड भी कितना आई डी मान लीजिए, ये भी मान लीजिए आई है डायमीटर के अराउंड, तो एम आर स्केयर बेटा, तो कितना आ जाएगा टू टाइम ऑफ आई डी इक्वल टू एम आर स्केयर बेटा, तो कितना आ जाएगा भाई सिंपल बात करते हैं, तो बेटा आई डी कितना आ जाएगा 1/2 एम आर स्केयर बेटा, तो दिस इज अबाउट एनी डायमीटर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं अबाउट टेंजेंट, मान लीजिए कोई टेंजेंट है तो उसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं बेटा, तो दोबारा से डायग्राम बनाना पड़ेगा, तो मान लीजिए आपका दोबारा से बेटा ये आपकी कोई सर्कुलर रिंग है, दिस इज योर सर्कुलर रिंग, और बेटा ये आपकी कोई टेंजेंट एक्सिस है, ये कोई एक्सिस है, टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब उस कहीं पर टच करे तो वो टेंजेंट एक्सिस हो जाएगी बेटा, ठीक है। और ये आपके डायमीटर खींच लेते हैं, और बेटा ये मान लीजिए इसकी रेडियस है या डिस्टेंस है, टेंजेंट पॉइंट सेंटर से मान लीजिए आर डिस्टेंस पे बेटा, तो बेटा आपको पता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी पढ़ा आपने, तो हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर रिंग अबाउट टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग, अबाउट टेंजेंट निकालते हैं, अबाउट टेंजेंट, तो बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप मान लीजिए ये आपका डायमीटर एक्स वाई, तो अगर आपका इस रिंग का एक्स वाई के राउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो बेटा कहता है कि आप सबसे पहले क्या करो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि आपको अगर क्या पता हो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रिंग ए बी प्लस प्रोडक्ट ऑफ द मास विद स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस, ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस एम आर स्केयर, तो क्या निकल जाएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स वाई निकल जाएगा बेटा, टेंजेंट के अराउंड निकल जाएगा, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम थी बेटा। अच्छा ए बी के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना निकला है बताइए, शाबाश सभी बोलेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी दैट इज इक्वल टू 1/2 एम आर स्केयर, डायमीटर के अराउंड 1/2 एम आर स्केयर आया बेटा, और बेटा ये आपका है एम आर स्केयर, तो ये आ जाएगा टेंजेंट के एक्सिस के राउंड, तो बेटा 1/2 और 1 कितना आ गया बेटा 3/2 एम आर स्केयर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जितने भी आपके सॉलिड फिगर्स हैं बेटा उन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे ही निकालना है बेटा, जैसे अगर मैं सर्कुलर डिस्क की बात करता हूँ, डिस्क बेटा क्या होती है, देखो सर्कुलर रिंग तो बेटा अंदर से एम्प्टी होती है बट डिस्क बेटा भरी हुई होती है, ठीक है। तो डिस्क मान लीजिए आपके घर में जैसे प्लेट्स होती है ना, प्लेट वगैरह, तो वो डिस्क मान लीजिए, तो बेटा उसका भी ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है बेटा, सिलेंडर का भी ऐसे निकालना है और बेटा स्फीयर का भी ऐसे निकालना है, तो बेटा आपने बुक्स से जाके देखना है और सभी सॉलिड फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्राई करना है बेटा, ठीक है, और उसको मैथमेटिकली फॉर्मूले के टर्म में याद करना है बेटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा यू आप अपने डाउट लेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।